गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ईवीएस में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रदूषण भी कहते हैं। आओ इसको समझें। पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन एनवायरमेंटल इज कंटेमिनेटेड बाय वेस्ट केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो पॉल्यूशन होता है वो एनवायरमेंटल में कैसे होता है, जो वेस्ट केमिकल होते हैं, जो मतलब हम हानिकारक जो तत्व होते हैं उसको यूं ही फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। देयर आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रदूषण है उसके तीन प्रकार होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जिसे हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय पॉइजन गैस। ठीक है, जो वायु प्रदूषण होता है, जो ये हानिकारक गैसें होती है उसके कारण होता है। इट इज ऑल्सो कॉज बाय द स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। ठीक है, ये किसके कारण, हानिकारक गैसों और धुएं के कारण होता है। रिलीज बाय व्हीकल, जो कि कहाँ से रिलीज होती है, व्हीकल से, गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्री से और फायर से, आग से, इन सब के धुएं से क्या होती है, हानिकारक गैसें रिलीज होती है। ठीक है, निकलती है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्रॉप वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी का तापमान है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्लोबिंग वार्मिंग हो रही है, और जो जल स्रोत है वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन वाटर। ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन होती है वो किसके प्रेजेंस से होती है, जो ये हम मटेरियल होते हैं, जो ये धातुएं होती हैं, जो ये फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकलती है, ये हम किस में डाल देते हैं, पानी, पानी मतलब जो नदी नालों इसमें, इसके थ्रू पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। द थ्री मेन सब्सटेंस that pollute water are nitrates from fertilizers, sewage and detergent. ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की जो टॉयलेट के जो पाइप होते हैं उसे कहाँ डालते हैं, नालियों के थ्रू नदी नालों में डालते हैं। ठीक है, नदियों में डालते हैं, जिसके कारण क्या होती है, नदी में हानिकारक क्या चीजें चली जाती हैं, डिटर्जेंट, हमारे जो हम कपड़े धोते हैं उसके कारण भी क्या होती है, नदियां प्रदूषित होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, जिसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन होती हैं, मतलब हानिकारक तत्व होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, पानी पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, इट केसेस हार्म टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर एंड ऑल्सो पीपुल्स हेल्थ, जिसके कारण सभी जो जल के जीव जंतु हैं और जो मनुष्य है उनके हेल्थ पर क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। अब वो प्रदूषित पानी पियेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और जलीय जीव क्या हो जाएंगे, जिस कारण नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट है हमारा लैंड पॉल्यूशन, मतलब जो भूमि का प्रदूषण है वो कैसे होता है। लैंड पॉल्यूशन इज व्हेन मैन मेड केमिकल्स सच अ हैवी मेटल, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सेट्रा। जो भूमि का प्रदूषण है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित केमिकल, मतलब जो रासायनिक पदार्थ है, हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब जो धातुएं हैं जो मनुष्य ने बनाए उसके कारण, और वो सीधे कहाँ डाल देता है, सॉइल में, मतलब मिट्टी में डाल देता है, जिसके कारण भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित केमिकल क्या है, जैसे पॉलीथीन, आपको पता है आजकल भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, पॉलीथीन, जो जल्दी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी भूमि को बहुत क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार जो मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें हैं उनके कारण क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। इट मे कॉज हेल्थ रिस्क, जिसके कारण क्या हो रही है, हमारी सेहत को लिए क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है। ठीक है, द केमिकल कैन प्रोड्यूस हार्मफुल वाइपर्स एंड इट मे कंटेमिनेट वाटर सप्लाई। और जो ये हानिकारक जो केमिकल है, ये प्रोडक्ट है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी पर नीचे जाके वाटर में मिल जा रहे हैं, जमीन से
कि जैसे हमने इसको जमीन पे डालते तो जमीन में धीरे धीरे गल के कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर आपको पता है कि जल होता है, वो जल में मिलके वो क्या कर रहा है, वो पानी को भी क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, भूमि के साथ साथ क्या कर रहा है, जल को भी प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार ये तीन प्रकार के पॉल्यूशन मैंने आपको समझाया है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।